अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और शामिद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक मूवी का ट्रेलर है। इस मूवी का इंतजार काफी अच्छे से किया जा रहा था, जिसका नाम है 83। तो ये है जो इनका जो ये लोग वर्ल्ड कप जीते थे पहला इंडियन, 83 में जीते थे, उसके ऊपर बेस्ड थी फिल्म। इंतजार था ये जो एक्टर जो है मेरा फेवरेट है पता था। और ये अब रिलीज हो रही है फाइनली, तो ट्रेलर आ गया है। सीधे चलते हैं वीडियो ट्रेलर देखते हैं, बाकी बातें। और जाने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ना भूलिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। Well, India must be still recovering from the double thrashing they received from the West Indies and Australia. If they win today by a huge margin, they're still in the tournament. If not, so long. Gaps, it's two down gaps. Na lende menu. That's another one gone. Gaps, three down. Kya bachpan hai, just shut up. This is a disaster. इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी सीरियस नहीं होना है, मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। Where is our team bus? No bus here for Indian team. आराम से मारना चिक्का। भाई नेट प्रैक्टिस है, हमको चुमा टुकु टुकु खेलने नहीं आता है। और कपल ऐसे समझा दे, मैं सर पे मार देनी बहुत। रैन तो मद्दी पर नहीं आती उसे डिफेंस। चिक्के उधर क्वीन को आग में तो मार देना। श्रीकांत बेस्ट लक। ओए बल्लू इसे बोल कल तुझे देख लूंगा। बाल सुना है क्या बोला था? कल तुझे देख लूंगा। सी यू टुमारो। कल बड़ा मैच है ना सिद्धू एंड टाई। क्या है? You mean do or die. So now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. Hey, kya pagal ho gaya hai hamara captain? Gentlemen, line up, please. Everybody, look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup. What does we here for? I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. 2 wickets down in quick succession. एक के बाद एक बल्लेबाज। मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म, कप्तान खत्म। ओए एक मैच तो जीत के जाओ, एक कर। 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। आई से बिफोर वी हियर टू विन। नहीं भी था।
हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप दुनिया का कप था और फिर एक हिस्ट्री क्रिएट की जैसे अभी आप क्योंकि हमें इतना हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, यही एक चीज होती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन सिनेमा जो करता है कि जो इनकी पुरानी चीजें है ना, ऐसे पुराने दिखाने के लिए मिलाने के लिए ना, एक पूरा उनके पास प्लेटफॉर्म है जिसको मूवीज बनाते हैं। आप एक तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है एक चीज, उसके बाद जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, अगर आप ट्रेलर भी देखो तो हर एक चीज बहुत हाईलाइट हुई है। इन्होंने जो स्टार कास्ट है पूरी वो बहुत एक अच्छे और नोन बंदों को उठाया हुआ है, क्योंकि भाई कोई नया फेस नहीं है देने की कोशिश की गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और उस वो वाला टाइम भी दिखाया गया, 83 का पीरियड भी दिखाया गया, उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी दिखाई गई, तो उस तरीके बल्ला भी अगर आपने नोट किया तो बल्ला भी डिफरेंट वो था, कैमरे जो थे वो थे ग्राउंड का, तो ये एक तो वैसे भी हमारे मुल्क में और इंडिया में क्रिकेट को एक बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वाकई खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत एक यादगार। मगर एक चीज़ क्रिकेट से आप कहते जाएँ, क्योंकि जब से सियासत क्रिकेट के अंदर आई है तो हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा, या आपके मीडिया ने उस वक्त जब हमारी मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, T20 का वर्ल्ड कप था ना, उसमें आपकी मीडिया ने इतना कोई बोला पाया पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए कि पाकिस्तान से नहीं खेलो, वापस आ जाओ, यूँ करो वो करो, तो ये चीज़ नहीं, खेल से खेल के हद तक होना चाहिए। देखो ये नुकसान है ना हमारा, हम खुश होते हैं कि इंडियन क्रिकेट को इंडियन स्टार को देख के वो हमारे स्टार को देख के खुश होते हैं और एक दूसरे को हीरो मानते हैं, आपके सचिन हैं, सुनील गावस्कर हैं और बड़ा बड़ा बेतहाशा बड़े बड़े नाम हैं आपके, तो जिनको पाकिस्तान पसंद किया जाता है और अच्छा लगता है। IPL हम बड़े शौक से देखते थे, मगर ये जब से मीडिया ने स्पेशली आपका मीडिया इसमें ज़्यादा कसूरवार है, वो पता नहीं क्यों क्रिकेट के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ इतना हमेशा क्यों रहता है कि हर वक्त हाइप क्रिएट करता है और लोगों का जज्बा को उभारता है, जो नहीं भी होते ना खिलाफ पाकिस्तान के या क्रिकेट के, वो मीडिया जो है ना वो उसको खराब रहता है। लास्ट टाइम देखे ना अब हमारा हुआ कि हम ना हम जीत पाए T20 ना अभी इसको जीत पाए, तो हमने एक अच्छा खेल पेश करने की कोशिश की, जो हमारा अच्छा हमारा वो रहा क्योंकि हमें दबाया गया और हमारे साथ ये भी भी रही कि हमारी दो टीमें आ रही थी पाकिस्तान इंग्लैंड की, उनकी हिंदुस्तान ने बड़ा कुछ किया, पकड़ी गई और चीज़ें आई कि उसमें शामिल था कि हिंदुस्तान ने तबाह करने की कोशिश की। तो क्रिकेट को खुदा के वास्ते क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, ये दिलों को जोड़ती है, आपस में दो मुल्कों के लोगों को जोड़ती है, प्यार मोहब्बत को जोड़ती है, खेलना चाहिए, खेल को सियासत में नहीं आना चाहिए। तो हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग IPL PSL मिलकर खेलें, ऐसी टीमें आए जाएं और एक अच्छा इत्तेहाद बनाए और ये फिर इंटरनेशनल जीते, इंडिया जीते तो हमें खुशी हो, हम जीते तो हमारा इंडिया वालों को खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए।